मैं आने वाले दिन में लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि लोग देखेंगे कि जादू का पावर क्या होता है। हमारे जादू को टारगेट किया जाता है, जाता है क्या जादू कमजोर है करेंगे और जादू को कोई अछूता ना समझे। सिवान के युवा समाज सेवी राजेश यादव को राष्ट्रीय यादव सेना का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान राजेश यादव ने राष्ट्रीय यादव सेना के उच्च पदाधिकारियों का धन्यवाद किया और कहा कि यादव को लोग अछूता न समझे। यादव अब एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर आके सबको सबक सिखाने का काम करेंगे। मुझको यादव महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार का बनाया गया है। इसी उपलक्ष्य में हमने ये रखा है और मैं अपने जादो व्यादरों से और मेरे जितने बाइकॉट मेरे गार्जियन मेरे भाई सबको मैं एक साथ लेकर चलना चाहता हूँ और मैं आने वाले दिन में लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि लोग देखेंगे कि जादो का पावर क्या होता है। अब समय आ गया है हमारे भाइयों और हमारे जितने हमारे गार्जियन हैं और हमारे जितने माता बहनें हैं जादू को हमारे सबको उठने का समय आ गया है। हम लोग एक साथ एक पैर पे खड़ा होकर जो भी संघर्ष होगा हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आने वाले दिनों में हमारे ब्यादरों को टारगेट किया जाता है। एक ही ब्यादरों को क्यों टारगेट किया जाता है? मान लीजिए कि आपके साथ सब ब्यादर के लोग थे, जादू भी था, मुस्लिम भी था, हरजन भी था, सब लोग था और एक ही जात को क्यों टारगेट किया जाता है? क्या जादवे कमजोर है? हम लोग एक साथ एक पैर पर चलने का काम करेंगे और जादू को कोई अछूता ना समझे। जादू इतना गिरा हुआ इंसान नहीं है। मैं आने वाले दिनों में लोगों को समझ में आएगा कि जादू क्या चीज़ है। सिवान का चुनाव हो या फिर बिहार के राज्य स्तर का चुनाव हो, यादव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसे में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? हम लोग पूरे बिहार में लॉकडाउन खत्म होते ही हम लोग पूरे बिहार में कैंपेन करने जा रहे हैं। यादव महासभा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज यादव हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोग सब लोग पूरे माने जमात को लेकर हम लोग साथ चलने का काम करेंगे। यादव समाज को एकजुट करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाएंगे? हम लोग बहुत सा प्रयास हो रहा है, सबको साथ में ले चलने का प्रयास हो रहा है। एक दिन का नेवाला अगर हमको ना मिले और उसको हम खिलाकर उसके साथ लेकर चलने का काम करेंगे। और एक बात आपसे मैं बता देना चाहता हूँ यादव भाइयों से, अगर यादव को कोई अगर टच किया तो उसका बांह हम उखाड़ने का काम करेंगे। इतना आप समझ लीजिए, इतना जान लीजिए।